आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। फलकनुमा के नौजवानों की जानिब से या रहमतुल आलमीन मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेखात बसेरा फंक्शन हॉल फलकनुमा में 2 अक्टूबर को रखा गया है। इस मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप की खसूसियत ये है कि इसमें थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी, रेड क्रॉस, अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, GHMC, तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, तमाम इदारे सरकारी महकमे की ताईद हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप की सरपरस्ती सादात इकराम, उलमा इकराम, मशायखिन इज़्ज़ाम की हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप के इंतजामात काफ़ी बड़े पैमाने पर जारी हैं। मेरे बाजू मुखामी कॉरपोरेटर हनान भाई साहब हैं, जिन्होंने अभी बताया है कि इंतजामात के ज़िमन में DCP साहब ने जायज़ा लिया है, ACP ट्रैफिक, ACP लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंतजामात करेंगे ताकि खून का अतिया देने वाले हजरात की पार्किंग के माहूल इंतजामात रहे। इस ब्लड कैंप में ना सिर्फ थैलेसीमिया बल्कि दूसरे मेडिकल ब्लड कैंप्स को खून का अतिया दिया जाएगा। जैसा कि बताया गया है कि थैलेसीमिया के मासूम बच्चे खून पर जिंदा रहते हैं, उनके लिए बिल्कुल प्रायोरिटी उन्हीं के लिए है और उन्हीं को पहली प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। मेरी कली थैलेसीमिया सिकल सेल के ज़िम्मेदारों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 50 बेड लगाएंगे। हमने उनसे गुजारिश की कि वो 120 बेड तक यहाँ पर इंतजामात कराएं। जैसा कि शेल्फ़ लाइफ कम होती है ब्लड की, उसके बावजूद हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा थैलेसीमिया के मासूम बच्चों को हमारा खून का अतिया दिया जाए। लेकिन हमने ये खून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने खून का नजराना दे रहे हैं, तो ये या चाहे थैलेसीमिया को जाओ या किसी ओपन हार्ट सर्जरी पेशेंट के काम आए या किसी हमारी बहन जो प्रेगनेंसी के दौरान खून का ट्रांसफ्यूजन की हाजत होती है या उनके काम आए। हम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इंसानियत को इंसानों की जानिब से ये तोहफा देने की गोशा हैं। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि 2 अक्टूबर को बसेरा फंक्शन हॉल आकर अपने आखा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत, वाबस्तगी और ग़ुलामी का अटूट सबूत देकर अपने खून का नजराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन। यह महीना आखा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने के अंदर हम लोग, हम तमाम नौजवान ने महिला और आसोसिस फलकनुमा के इलाके में रहने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वो नौजवान ये 2 अक्टूबर बसेरा फंक्शन हॉल फलकनुमा के अंदर होने वाले इस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आप तमाम आकर अपना ब्लड डोनेट कर थैलेसीमिया और कई ऐसे अमराज में मुबतला बीमार लोगों के लिए
एक बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन नजराना है और बेहतरीन जो है एक सोशल वर्क है ये। तो आप तमाम हजरात से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग इस डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट करें और जो है अपना डोनेशन दें। इसके अंदर और बाजू में जो है बसेरा फंक्शन हॉल, बसेरा फंक्शन हॉल के बाजू में बेहतरीन ट्रैफिक पुलिस के का भी ताउन इसके अंदर हासिल है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का भी ताउन हासिल है, MCH के तमाम अहदेदारों का भी इसके अंदर ताउन हासिल है, पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस का भी इसके अंदर ताउन हासिल है। और हमारे सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक का बाजू प्रेसिडेंसी जो है कॉलेज है और इसके अंदर जो भी हजरात अगर बड़े गाड़ियों के अंदर हमारी अगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो, इस बाजू के प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर भी जो है हम लोगों ने ट्रैफिक का तमाम पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। तो आप तमाम हजरात बाजू पार्किंग भी कर सकते हैं और इसके आजू बाजू भी जिन इलाकों के अंदर फिर ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि जो भी आदमी गाड़ी आ रहा बीच में ना रखें ताकि ट्रैफिक में खलल पड़े और लोग डोनर आने वाले डोनरों को भी तकलीफ़ ना हो। तो आप तमाम हजरात से अदबन गुजारिश करते हैं कि बसेरा फंक्शन हॉल में 2 अक्टूबर के दिन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आएँ और बेहतरीन माहिरीन डॉक्टरों की मौजूदगी में और तिलिस्मिया की टीम की मौजूदगी में और तमाम लोगों की मौजूदगी में इंशाल्लाह ताला ये डोनेशन काम का इंतखाब अमल में आला है। आप लोग आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।